आगा के वाके कोडीजी मा गोठ मिठन फकीर कांदड़ो में पुराने दुश्मनी ता नौजवान कतल थी वियो है। पुलिस वाके बारे में पची लाश कणाए अस्पताल पहुंचायो है। तवाके आगा के पिया कोडीजी मा गोठ मिठन फकीर में वाक्यो पेश आयो है। पुराने दुश्मनी ता नौजवान के कतल किया वियो है। पुलिस वाके बारे में पची लाश कणाए अस्पताल मुंतकिल किया है। तवाके आगा के पिया कोडीजी मा गोठ मिठन फकीर कांदड़ो में पुराने दुश्मनी ता नौजवान के कत्ल किया वो है। तवा के बुधाई पे पुलिस वाकेबार हंध पहुंची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस जो चवण है तो वाक्य पुरानी दुश्मनी ता पेश आयो है। अहम खबर है तवा के कोडी जी मां पे गोठ मिठन फकीर कांदड़ो में पुरानी दुश्मनी ता नौजवान के कत्ल किया है। तवा के बुधाई पे पुलिस वाकेबार हंध पहुंची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल किया है। अहम खबर है एक बार बीहर तवा के डूँ पे कोडी जी मां गोठ मिठन फकीर में ये वाक्य पेश आयो है। जवाबदार पुरानी दुश्मनी ता नौजवान के कत्ल कर छो है। तवा के बुधाई पे पुलिस वाकेबार हंध पहुंची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल किया है। अहम खबर है तवा के कोडी जी मागा क्यों पे गोठ मिठन फकीर में पुरानी दुश्मनी ता नौजवान के कत्ल कर छो है। तब से लठंदासी कोडजी मां परवेज गोपाल खां। परवेज आगा कजो। जी बिल्कुल आवा के बताय वाला कोडजी लग गोट मिठन फकीर कांदड़ो में पुराने तकरार ता नौजवान 30 साला रशीद कांदड़े के हत्याबंद गोलियों कत्ल करे छदा। कोडजी पुलिस वाचारंद पहुंची लाश कोडजी अस्पताल मुंतकिल करायो जते जरूरी कार्रवाई बाद लाश वारसन हवाले करे तो जरे मक्तूल जे वारसन जो चवणा है तो केंदी बिरादरी सा पुराणो तकरार हल लड़ाए अग में भी उन तो मानो साजा कत्ल कया है जबार कांदड़ो आई बेन गड़ी कर नौजवान के कत्ल किया आखिरी इतला तीन वाक्य जो को भी केस दाखिल नियो ना भी गिरफ्तारी अड़ी अमल में आई है। ठीक है परवेज बड़ी मेहरबानी अवानी तफसील खां गण लाइ।